जेमिनाइज के लिए आज का दिन एडवेंचर और रोमांस से भरा होगा और अचानक पैसों की बरसात होगी। किचिंग! शायद लॉटरी लगने वाली है क्योंकि एसपीडी में मेरी तनख्वाह कुछ भी नहीं है। मेरा पढ़ो ना। हाँ, अपना साइन बताओ। कहना मुश्किल है, मेरी मॉम को एरोप्लेन में पेट दर्द शुरू हुआ और मतलब मैं उस दिन आ चुका था, पर जब हम लैंड हुए तब दूसरा दिन था। मतलब मैं असल में एक दिन पहले पैदा हुआ था। लाओ, मैं पढ़ती हूँ। लिखा है कि तुम कंफ्यूज रहोगे आज और कल और परसों और फिर उसके सैम, फिर मिलेंगे दोस्तों। जरूर। क्रूगर ओमेगा रेंजर को अपने साथ ले गए और हम यहीं रह गए। मानो जैसे वो क्रूगर का खोया हुआ बेटा हो। इंटरस्पीशीज नजरिए से देखा जाए तो वो उनका बेटा नहीं हो सकता। ओफो दोस्तों, सैम नया है और फ्यूचर से आया है। क्रूगर उसे कुछ अहम जानकारी लेना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो क्या हम अहम नहीं है? स्काई, फिलहाल मैं तो हूँ। लकी है। यस सर। मुझे ओमेगा की जरूरत है तो इसके सारे काम तुम पूरे कर देना। पर सर। यस सर। क्या? प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज, जादू हमेशा सच नहीं होता। यकीन कीजिए, मेरा अगला जादू सच होगा। मेरा बहादुर असिस्टेंट एल हम आप सबके सामने दूसरे डायमेंशन में जाने का खतरनाक सबक तय करेगा। आप देख रहे हैं, इसका बहुत सारा हिस्सा अंदर है। आप रखा जाओगा। startteamsindia.blogspot.in शो पसंद आया सर। वैसे मुझे ये कहना चाहिए कि शो उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। जैसे कि हम ये पहली बार सुन रहे हैं। मैं मुर्गाना हूँ। तुम बहुत बेकार हो, पर तुम में काबिलियत है। मेरी थोड़ी सी मदद से तुम दुनिया के महान जादूगर बन सकते हो। तुम्हें जरूरत है तो थोड़ी सी गाइडेंस और इस जादुई छड़ी की। जादुई छड़ी? हाँ, ये जादुई छड़ी है। तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने इसे अदृश्य बना दिया। वाह, रुको, कोई इतनी कीमती चीज यूं ही नहीं दे देता। तुम क्या चाहती हो? कुछ खास नहीं। एक दिन जब वो घड़ी आएगी तो शायद तुम मेरी मदद कर पाओगे, लेकिन तब तक तुम इसके साथ ऐश करो। ओह, अच्छा आइडिया है। मुझे मेरे पैर नजर नहीं आ रहे हैं। सोना, कैश और गहने दिन दहाड़े चोरी हो गए। लोग मौजूद थे पर किसी ने कुछ नहीं देखा। ये चोरियां कई हफ्तों से हो रही हैं और इस वक्त चोरी कहां हो रही है सर? 411 वेस्ट रोज। ओमेगा, फौरन वहां जाकर हालात सब जाएंगे। सर। हम एसपीडी हैं। चोर किस तरफ गए हैं? हे, ये मैं कहने वाला था। तो फिर कहो ना। ठीक है, कहता हूँ। एसपीडी, चोर किस तरफ गए हैं? कहना बहुत मुश्किल है, मैंने उन्हें भागते हुए नहीं देखा। मैंने बस नोटों को हवा में उड़ते हुए देखा। दोस्तों, एक चोर यहाँ है। ब्रिज, तुम क्या कर रहे हो? शायद तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी मदद की जरूरत है। मजाक कर रही हो? मैं एक जादूगर हूँ, कोई योद्धा नहीं। तो फिर ठीक है, अब मैं ही कुछ करती हूँ। सिपाहियों, ओके स्काई, तुम और ओमेगा लिजर्ड का मुकाबला करो। सिड जी और मैं बाकी को देखते हैं। रेडी, रेडी, एसटीडी इमरजेंसी। भागने में भलाई है। वो रहा, चलो मुकाबला करो। Yeah!
मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। एसपीडी इमरजेंसी। मदद चाहिए? नहीं किया पूछ पूछ। चल दिए हाँ? मैंने एसपीडी से लड़ने का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। तुमने वादा किया था कि सही घड़ी आने पर तुम मेरी मदद करोगे और वो घड़ी आ चुकी है। आगे बढ़ो। ओमेगा मॉर्फोन चार्ज डाउन। तुम गिरफ्तार किए जाते हो, कुछ कहने की गुस्ताखी मत करना। जैसे मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ। इससे पूछताछ करो। एल, हम तुम्हारे साथ सख्ती से पेश नहीं आएंगे अगर तुम बता दो कि इसमें किसका हाथ है। हमें यकीन है कि तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो। हमें बता दो कि वो कौन है तो हम तुम्हारी 4 या 5 साल की सजा कम कर देंगे। क्या ख्याल है? हम जो जानना चाहते हैं वो बता दो वरना। तुमने लंच में प्याज खाया था क्या? काफी मुश्किल रहा होगा ना, कभी किसी से तुम्हें कुछ नहीं मिला और मैंने सब पाया। अच्छे मॉम डैड, अच्छी एजुकेशन, क्रेडिट कार्ड और तुम्हें। वैसे तुम इन सब चीजों का करोगे भी क्या? तुम कितने स्केली हो। स्केली? मैं एक लिजर्ड हूँ। उस ब्लू लड़के को बुलाओगी? ये शोर कैसा है? अच्छा है ना? जी। ये गाना सिड ने लिखा है और उसी ने गाया है। गाने का टाइटल है मैं। ये उसके बारे में ही है। पसंद है? बिल्कुल नहीं। जरा तुम उस ब्लू लड़के को बुलाओगी प्लीज? ये गाना क्या समझेगा? ये एक लिजर्ड है। लेकिन ये भी है कि तुम हमारी मदद क्यों करोगे? जेल सुरक्षित जगह है, वहाँ सुरक्षा है, पर मुझे बताओ कि क्या कुछ वाकई सुरक्षित है? सुरक्षा एक ही जगह से आ सकती है। मुद्दे की बात करो। हमारे अंदर से। बाकी सब सुरक्षा या सुरक्षित होने के वहम में हैं। ये सुरक्षा आखिर हमें देती क्या? बस, मैं और नहीं सुन सकता। बताता हूँ ये काम मिस्टिकॉन का है और उसकी मदद कर रही है मोर्गाना। कमाल कर दिया ग्रम कमांडर। हाँ, वो कोई चाल चल रहा है। मुझे तब तक तुम्हारी या किसी और की मदद करने की जरूरत नहीं है जब तक मेरे पास ये है। ओके, मैं चलता हूँ। मेरे लिए एक साइंटिस्ट को पकड़ोगे? अगर मैं उसे अगवा करूंगा तो मेरे प्लान का पर्दाफाश हो जाएगा। तुम्हारा प्लान? खैर, वो सब छोड़ो, मेरी मदद करो या फिर वेपराइज हो जाओ। ये इनके बाएं हाथ का खेल है। ब्रूट विंग तुम्हारी मदद के लिए एक रोबोट भेजेगा। मेरे पास उतनी रकम नहीं है। तो वो तुम्हें दे देगा। मैं दूंगा। मैं मुफ्त में कभी कुछ नहीं देता। तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। मैंने तुम्हें तुम्हारे बेकार हथियारों के लिए जरूरत से ज्यादा पैसे दिए हैं। जी महाराज। पहले तुम मेरे लिए एक चैरिटी शो करो। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी क्रम, ये मेरा वादा रहा। न्यू टेक यूनिवर्सिटी साइंस सेंटर के फायदे के लिए महान जादूगर मिस्टिकॉन का शो। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और मुझे भी, इसीलिए मैं सैम को खुफिया काम करने के लिए भेज रहा हूँ। सैम फिर से? पर मेरे फैसले से तुम्हें कोई आपत्ति है कडेक, या किसी और को है? मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है दोस्तों। हम क्रूगर को दिखा देंगे कि हम ओमेगा से कम नहीं, वैसे भी उसकी मदद करने आए हैं। हाँ, ऐसी मदद जो ना उसने मांगी है और ना क्रूगर ने हमें करने को कहा है। हाँ, लेकिन फिर भी मदद करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मान ना मान मैं तेरा मेहमान। दोस्तों मैं यहाँ का मुआयना करती हूँ, तुम लोग आगे जाओ। ठीक है, एक सीट रोक लूंगा। ओ, तो तुम कौन हो?
मैं आपकी नई असिस्टेंट बनना चाहती हूँ। मुझे पैसों से प्यार है और मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगी। ओह, तुम्हें नौकरी मिल गई। सुनो, मैं अभी आता हूँ। क्या बात है? तुम्हारी ये नई असिस्टेंट, ये एसपीडी है। ओह, ये काफी जोशीली है। नहीं 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 नहीं, सुनो, तुम्हें ये काम करना है। कुछ परेशानी है? नहीं, सब कुछ ठीक है। अब हम अपना पहला जादू करने वाले हैं। तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। अब तुम समझ गई? समझ गई। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ महान मिस्टिकॉन। यूनिवर्सिटी के साइंस प्रोग्राम में दान करने के लिए शुक्रिया। अब पेश है आज का शो, जादू शुरू होता है। अब अपनी प्यारी सी असिस्टेंट को आपके सामने पेश करता हूँ। शो शुरू किया जाए। इस तरफ आ जाओ। अब तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ। ये सिद्ध है। बहुत अच्छी तरह अपनी ड्यूटी कर रही है। इसे जादू भी आता है क्या? आबरा का डाबरा, वो कहाँ चली गई? अब मेरे अगले जादू के लिए मुझे ऑडियंस में से कोई वॉलंटियर चाहिए। शायद ऐसा जो इतना उतावला ना हो। क्या आप आएंगे मैडम? हाँ, आप। शर्माने की जरूरत नहीं, ये यूनिवर्सिटी के लिए है। आपका नाम क्या है? डॉक्टर हेलेन टायलर जोन्स। आप अंदर चली जाइए डॉक्टर, आपको कुछ नहीं होगा, यकीन मानिए। ग्रम ने हीरे जवाहरात लूटे, इरिडियम और रेत भी चुराई, पर ये जादूगर उसके किस काम का है? सैम, मिस्टिकॉन ने ऑडियंस से डॉक्टर हेलेन टायलर जोन्स को स्टेज पर बुलाया है। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? डॉक्टर हेलेन टायलर जोन्स, वो तो बस दुनिया की जानी मानी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। पर ग्रम को उनसे क्या काम? वो काफी समय से चीजें चुरा रहा है, शायद उसके बुरे इरादों को पूरा करने के लिए उसे किसी की जरूरत है। मैं बाकी रेंजर्स को भेजता हूँ। वो लोग यही हैं। क्या कहा? अंदर चले जाइए डॉक्टर, जरा संभल कर। मैं इस कंटेनर को टैप करूंगा, एक बार, दो बार, तीन बार और छू, वो गायब। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज रात का शो खत्म होता है। ये डॉक्टर को वापस नहीं लाएंगे? और हाँ, दान देना मत भूलिएगा। अब अंदर कौन हो सकता है? लगता है वक्त है एक्शन का। हट जाओ, तुम मेरे साथ चलो। हट जाओ मेरे रास्ते से। जल्दी। वहीं रुक जाओ, उन्हें रोको। तुम भी जाओ। शाबाश। मुझे तुम्हें रोकना है। हाँ जरूर, पर पहले कहो एसपीडी इमरजेंसी। ओके, एसपीडी इमरजेंसी। ओके, यस। ये क्या, मैं कहाँ हूँ? लड़ाई के बीच में। और क्या नया है? ओमेगा मॉर्फ पावर मोड। रुको, सुरक्षित जगह पर जाइए। तुम नहीं जा सकते। मेरी
अच्छी लगती है। मैं ब्रूड विंग के रोबोट में बैठता हूँ। वाह, ये दुश्मन टक्कर का है। मैंने मेगाजॉर्ड को कंबाइन होने के लिए रिकन्फिगर किया है, उम्मीद है ये काम करे। ट्रांसफॉर्म टू मेगाजॉर्ड। पहले हम हमला करेंगे सैम। ये कैसे किया? तुम बहुत मिस्टिकॉन को नहीं पकड़ सकते। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं हमला करता हूं। ठीक है। ए, जरा देख कर दोस्त। मैं? मेरी गलती नहीं थी, तुम्हें ही ध्यान से। दोस्तों कम ऑन, दोनों एक साथ हमला करो। हाँ आगे बढ़ो सैम। ओह, बच गया। मेगाजॉर्ड्स को कंबाइन करो। पता नहीं, आपको यकीन है कि हम इसके लिए तैयार हैं कैट? तुम ट्रेंड हो रेंजर्स, तुम तैयार हो। डेल्टा मैक्स मेगाजॉर्ड सीक्वेंसिंग इनिशिएटेड। बहुत अच्छे, आगे बढ़ो दोस्तों। संभल कर बैठो दोस्तों। डेल्टा मैक्स मेगाजॉर्ड। ऐसे मौके पर हाइपर स्पीड मोड का फायदा उठा सकते हो। याद दिलाने के लिए शुक्रिया कैट। मैं तुमसे नहीं डरता। बूस्टर्स गो। ये इन्होंने कैसे किया? हाइपर स्पीड। जजमेंट टाइम। नहीं रुको, ये मेरा आइडिया बिल्कुल नहीं था। मुझे ग्रम और मॉर्गाना ने मजबूर किया था, मतलब यानी कि मैं खुद गर्ज हूँ। पर मैं बदल सकता हूँ, मेरा यकीन करो, मैं पहले भी बदल चुका हूँ। दोषी? हाँ, पर शायद थोड़ा सा। फुल पावर। केस बंद। मेरी वजह से। जो भी हो, वो जीत गए। सुना आपने? आप खुश नहीं लग रहे। मैं खुश नहीं हूँ। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। ये मेरी गलती है सर, ये मेरा आइडिया था। हम आपको दिखाना चाहते थे कि हम सैम की तरह ही अच्छे रेंजर्स हैं। किसने कहा तुम नहीं हो? मैंने नहीं कहा। हालांकि सैम बहुत ही खास शख्स है। हम जानते हैं सर, लेकिन वो क्या है कि आप सैम के साथ ज्यादा वक्त। मैं इसके साथ समय बिता रहा था ताकि इसे ढाल सकूं इस माहौल में। इस काल में मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया क्योंकि मैं समझता था कि तुम आत्मविश्वास से भरे हो। क्या मैं गलत था? नहीं सर, पर वो क्या है कि हमें थोड़ी सी जलन हो रही थी। एसपीडी में जलन की कोई जगह नहीं है। मेरी टीम हो, तुम्हें इसी बात पर विश्वास रखना चाहिए, खुद पर विश्वास। समझ गए? यस सर। उन्होंने मेरे रोबोट को तबाह कर दिया। ग्रम ने उस रोबोट के पैसे नहीं दिए थे, वो मेरा रोबोट था। मेरा नुकसान हो गया। ग्रम को मुझसे धोखा करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।